मोदी जी को दोबारा मौका देंगे कि सरकार बदलेंगे? नहीं, मोदी जी को देना है, देना है मौका। अरे यार क्या बात करते, मोदी जी आई लव यू। अच्छा, मोदी जी से इतना प्यार? अरे मोदी जी, हर टाइम सोता हूँ तब भी मोदी जी, उठता हूँ तब भी मोदी जी, इतना प्यार है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं वाकई में। दूसरी बार भी आ गए, आप तीसरी बार आने की तैयारी? अरे वही आएंगे, हाँ आप और मैं बदल जाएंगे, वो आएंगे। अच्छा, पक्की बात है? सरकार कोई भी हो अगर काम अच्छा करेगी तो हम उसी को वोट देंगे, उसी को वोट, हमें फ्री का नहीं चाहिए। केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, नहीं चाहिए। जरूरतमंदों को फ्री चाहिए, जो कमा खा रहा है वो, जो सक्षम है उसको फ्री की जरूरत नहीं है। महिला है मैम, आप घर संभालती होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी हो गई है, सब्जी दालें सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, लग रहा है आपको? मैम सैलरी भी तो बढ़ी हुई है मैम, महंगाई जिस हिसाब से है उस हिसाब से सैलरी भी तो है। तो क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राहुल है मैम। सर मोदी जी को मौका देंगे दोबारा 24 में कि सरकार बदलेंगे? नहीं बिल्कुल, मोदी जी को ही मौका देना है। अच्छा, मौका देना है मोदी? बिल्कुल, उनके अलावा उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा। उनके कामों के दम पर उनको मौका देना है। पांडे ये बताइए मैम, कौन सी सरकार आपको पसंद है? सरकार कोई भी हो अगर काम अच्छा करेगी तो हम उसी को वोट देंगे, उसी को वोट, हमें फ्री का नहीं चाहिए। केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, नहीं चाहिए। जरूरतमंदों को फ्री चाहिए, जो कमा खा रहा है वो, जो सक्षम है उसको फ्री की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मोदी जी कहते हैं हमने रोजगार दिए, बहुत लगता है रोजगार मिले हैं लोगों? अब जिसको नहीं मिला वो तो नहीं कहेगा, जिसको मिला है वो तो कहेगा। बस मैम यही बात है, मतलब क्या है कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। महिला है मैम, आप घर संभालती होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी हो गई है, सब्जी दालें सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, लग रहा है आपको? मैम सैलरी भी तो बढ़ी हुई है मैम, महंगाई जिस हिसाब से है उस हिसाब से सैलरी भी तो है। अच्छा। पहले की सैलरी में और महंगाई में आप देखिए, अब एक बार बताइए महंगाई अगर नहीं बढ़े, आप बोलिए। नहीं नहीं देखिए, मेरे हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है तो हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी होती जाएंगी। और बाकी बजट, अब जैसे सैलरी सातवां वेतन लागू हो रहा है, ये सब अगर सबकी सैलरियाँ बढ़ रही हैं, सरकार प्राइवेट सेक्टर की भी तो बढ़नी चाहिए ना। और कोई मांगे हैं आपकी सरकार से कि कोई, जैसे कि दिल्ली सरकार में बसें फ्री कर रखी हैं, कुछ फ्री हो ऐसा कुछ? सिर्फ महिला की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। लगता है आपको सुरक्षित है महिलाएँ दिल्ली? फिलहाल तो अभी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है, क्योंकि सख्त कानून जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बच्चे पढ़ते हैं मैम आपके स्कूल? हाँ बेटियाँ पढ़ती हैं मेरी। शिक्षा व्यवस्था कैसी है दिल्ली? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बट थोड़ा सुधार और चाहिए। जी हाँ, केजरीवाल जी कहते हैं हमने तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, इतने हाई क्लास स्कूल हैं हमारे, लग रहा है वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा देखा नहीं है मैम, हम तो दिल्ली ही देखा है अभी तो वर्ल्ड के बारे में कैसे बता सकते हैं। सुधार है? हाँ पहले से सुधार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी तिवारी है। आपको कौन सी सरकार पसंद? मुझे बीजेपी पसंद है। महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है क्या? हाँ। क्या लगता है आपको इतना अच्छा महिलाओं को कि बीजेपी पसंद? इसलिए लगता है क्योंकि जो बहुत पहले से मुद्दा चला आ रहा था, रुका हुआ था, वो मतलब फाइनल हो गया, जैसे कि राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ट्रिपल तलाक सबसे मेन हो गया, जिसके लिए मुस्लिम महिलाएँ भी सपोर्ट कर रही हैं। महिलाएँ सुरक्षित है बीजेपी? बहुत सुरक्षित है। कोई काम पसंद है आपको बीजेपी? योगी राज हर जगह चाहिए हमें, योगी राज चाहिए। अच्छा। जी हाँ, मोदी जी को दोबारा मौका देंगे 24? बिल्कुल देंगे, उसके बाद योगी का ही नंबर है। अच्छा, योगी का नंबर, योगी राज चाहिए। आप देंगे मौका दोबारा? हम तो दे ही रहे हैं। हाँ, क्या नाम है सर आप? कुणाल। मोदी जी को दोबारा मौका देंगे कि सरकार बदलेंगे? नहीं, मोदी जी को देना है, देना है मौका। अरे यार क्या बात करते, मोदी जी आई लव यू। अच्छा, हाँ मोदी जी से इतना प्यार? अरे मोदी जी, हर टाइम सोता हूँ तब भी मोदी जी, उठता हूँ तब भी मोदी जी, इतना प्यार है क्या? मोदी जी बहुत अच्छे हैं वाकई में। हाँ। इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं सर? अरे वो कर रहे हैं कुछ, तभी दिख रहा है, दिख रहा है तभी बिक रहा है। अच्छा, दिख रहा है तभी। हाँ अभी दूसरी बार भी आ गए हैं, आप तीसरी बार आने की तैयारी? अरे वो ही आएंगे, हाँ आप और मैं बदल जाएंगे, वो आएंगे। अच्छा, पक्की बात है? पक्का। ओके, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राहुल है मैम। सर मोदी जी को मौका देंगे दोबारा 24 में कि सरकार बदलेंगे? नहीं बिल्कुल, मोदी जी को ही मौका देना है। मौका देना है मोदी? बिल्कुल, उनके अलावा उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं, उनके कामों के दम पर उनको मौका देना है। सर जनता कह रही है बेरोजगारी पे बात नहीं करते मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए। वो विपक्ष जो है और जनता, जो जनता में वही बंदे बोल रहे होंगे जो आपको इधर उधर स्मैकिया टाइप घूमते रह जाएगा, जिनको काम काज की तलाश नहीं है, उन्होंने यहाँ वहाँ भटकना है और इतना पैसा कमाना है कि रात का उनका शराब का इंतजाम हो जाए। कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा आप मुझे दिखाइए जो बोले
कि आप मोदी ने बेरोजगारी बढ़ाई है या मोदी ने देश का मान सम्मान नीचे गिरा दिया है या कुछ भी, मोदी जी के बारे में अशब्द बोलता नजर आए, नहीं बोलेगा। क्योंकि मोदी जी के जितने काम 9 सालों के अंदर जितनी रफ्तार से उन्होंने काम किए हैं वो हर एक व्यक्ति को नजर आ रहे हैं। इसके अंदर कोई क्या बोलता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ईडी सीबीआई लगा देते हैं उनके पीछे जिनसे खतरा लगता है मोदी जी को। देखिए ईडी सीबीआई का तो वो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं, जहां वो इलेक्शन जीत जाते हैं वहां पे इलेक्शन कमीशन भी सही होता है, जहां उनके मंत्रियों को बेल मिल जाती है या वो रिहा होकर के आ जाते हैं तो वहां कोर्ट भी अपना स्पष्ट हो जाता है, सही होता है। और ईडी सीबीआई जब ये केजरीवाल जी के जितने भ्रष्ट नेता जो आज जेल के अंदर हैं जब ये छूट रहे थे तो यही माइकों पे आ कर टीवी डिबेट में बोलते थे हमें अंदर डालो ईडी सीबीआई बिकी हुई है, और जब अंदर डालते हैं तो सीधा आरोप लग जाता है कि ईडी सीबीआई बिक गई है। अरे ईडी सीबीआई नहीं बिकी है, जाँच जो है ना वो बढ़ गई है इन जैसे गद्दारों के ऊपर जो देश को खोखला कर रहे थे। राजस्थान और एमपी में भी अभी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, वैसे तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? देखिए राजस्थान की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही में एक केस हुआ था वहाँ पे कन्हैया कुमार का, उसको देखते हुए और हाल ही में जितना वहाँ पर रेप केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कि अब भी राजस्थान की जनता को जाग जाना चाहिए। और जो 9 साल के अंदर आपको अपने कामों के दम पर दिखा रहा है कि हाँ 9 साल में जितने मैंने काम करे, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे भारत वंदे भारत ट्रेनें हो, चाहे 5वीं अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूरे विश्व को घुटनों पर ला करके दिखा दिया उसने, ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है भारत को। अगर आज भी आप नहीं जागते तो आप सोचिए कल तक उन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, कल को आपकी बच्चियों का आपके परिवार के सदस्यों पर भी हाल हो सकता है। लेकिन मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है और मोदी जी बड़े टाइम बाद भी बोले थे इस घटना पर। देखिए मणिपुर के ऊपर आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, मणिपुर के ऊपर ठीक है हालात बिगड़े थे लेकिन हमारे गृह मंत्री खुद भी वहां पर गए, फोर्सेस भी वहां पर लगी, मिलिट्री भी वहां गई, जितनी वो कोशिश कर सकते थे सिचुएशन संभालने की करी, बट वहां पर विपक्ष भी गया था। अगर आपको बताऊं तो क्या विपक्ष को वहीं पर दिखा था हिंसा वाला प्रदेश? क्या उनकी जहां सरकार है बिहार का देख लिया, बिहार में 14 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको उसी के घर के अंदर 14 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया, क्या उधर जा करके इनसे 2 शब्द नहीं बोले गए? राजस्थान के अंदर एक हस्बैंड के आगे उसकी वाइफ का बलात्कार करके उसके ऊपर तेजाब डाल के टुकड़े करके मार दिया गया, क्या वहाँ पर इनसे 2 शब्द नहीं बोले गए? इनके दिमाग में खाली विपक्ष के पहले जैसे राफेल था अब भी कोई मुद्दा नहीं है, अब मणिपुर मुद्दा था, जब उस पर इनका कोई जवाब नहीं आ रहा था, अब बेरोजगारी और ये क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी पे बात करें। मैं कहता हूँ मोदी जी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आप आरोप दिखा दीजिए, जबकि आपके तमाम नेताओं के ऊपर 1000 केस चल रहे हैं और फिर भी आप रिहा होके आते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जो अपना काम करना है वो कोर्ट के तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं ना अमित शाह जी कुछ कर सकते हैं, बस आपका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। सर विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि जैसे कि ब्रजभूषण सिंह पर शोषण का आरोप था तो महिला पहलवानों को भगा दिया गया संसद के उद्घाटन के दिन। मैं आपको बताता रहा हूँ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो रेत में से सुई ढूंढने वाला काम कर रहे हैं। वो अब ब्रजभूषण पे अगर वो जांच का विषय है ना अब उसको उठा करके डाल देंगे ये बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन जब इनके मंत्री को उठा करके डाल देंगे तो ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे, प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, पुलिस बिक गई, सब बिक गया, लेकिन जब ऐसे के ऊपर जाँच स्टेप बाय स्टेप चलेगी तो इनको वो है प्रश्न चिन्ह उठाएंगे एक बारी के अंदर कि भैया ये बिके हुए हैं ये क्यों नहीं उठा रहे इनके पास, क्योंकि मुद्दा नहीं है ना इनके पास, मुद्दा ढूंढेंगे भी कहाँ से। मैं कहता हूँ पहले 2014 से पहले हम भी जब तक सुनते थे तब बोलते थे अमेरिका रूस जापान चीन ये सुपर पावर, आज ये सुपर पावर भारत के घुटनों में झुकी हुई है। आज यूक्रेन रूस का युद्ध होता है भारतीय अपना तिरंगा उठा करके आते हैं और पाकिस्तानी तिरंगे की आड़ में घुसना चाहते हैं। आज इसराइल और फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जो युद्ध हो रहा है तो गाजा के अंदर जो फिलिस्तीनी है वो भी तिरंगा लेकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? ये भारत का सम्मान हो रहा है, ये खाली मोदी अकेले अपना थोड़ा ना सम्मान करा रहा है, ये पूरे 140 करोड़ जो भारत के देशवासी हैं उनका सम्मान हो रहा है ना कि एक तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसको लेकर के हम चौड़े में निकल के आ रहे हैं दुश्मनों के बीच में से।